हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ ये चार बहुत ही सुंदर, बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्टाइलिश ब्रेड्स, जो कि बनाने में है बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही ज़्यादा क्विक। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली ब्रेड के साथ। हम कर लेंगे अपने सारे बालों को एक तरफ और उसे करेंगे टाई यूजिंग अ पतला वाला रबर बैंड। बालों को पिंच आउट करके हम अपनी पोनी को करेंगे वॉल्यूम अप। अब हम लेंगे एक और पतला वाला रबर बैंड, थोड़ा सा गैप रख के उसे भी हमारी पोनी में टाई कर लेंगे। अब उस सेक्शन को हम पिंच आउट करके राउंड शेप दे देंगे, जिससे वो बलून शेप में दिखेगा, इसीलिए इसे बलून ब्रेड या बबल ब्रेड भी बोलते हैं। बस इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम हमारी पूरी ब्रेड तैयार कर लेंगे। अगर आपके बाल रफ हैं, फ्रीजी हैं और बिल्कुल भी मैनेजेबल नहीं है, तो ये वाली ब्रेड आप बहुत ही आराम से ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि इसको बनाने में कोई भी कला नहीं चाहिए, बहुत ही आराम से बन जाती है। अगर आपको हेयर स्टाइल नहीं बनाने आती है तो भी आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी सेकेंड ब्रेड, जो कि है बहुत ही क्विक और बहुत ही ज़्यादा ईजी। हमें करने हैं अपने बालों के तीन पार्टीशन, दो पतले और एक मोटा। ध्यान रखें, दो पतले पार्टीशंस और एक मोटा पार्टीशन, और उसे फिर हमें नॉर्मल ब्रेड जैसा हम बनाते हैं थ्री स्ट्रैंड वाली, वैसे इसे बना लेना है। ब्रेड रेडी होने के बाद हमारा जो मोटा वाला जो सेक्शन था उसे हम पिंच आउट करके इस तरह से बाहर निकाल लेंगे, जिससे इस ब्रेड को मिलेगा बहुत ही डिफरेंट और अमेजिंग लुक। दिखने में लगेगी बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश, और बनाने में तो आपको पता ही है बिल्कुल 2 मिनट के अंदर ये ब्रेड तैयार हो गई थी। सो आज ही ट्राई करें इस अमेजिंग ब्रेड को और मुझे ज़रूर से बताएं कि आपको ये पसंद आई या नहीं। तो चलते हैं आज की थर्ड ब्रेड की तरफ। हम करेंगे अपने बालों को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। फिर जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसे एकदम नीचे की तरफ टाई करेंगे रबर बैंड से, उसमें करेंगे गैप और गैप करके उसे ट्विस्ट करेंगे अंदर की तरफ 4 बार। अब इस पार्ट को हमें होल्ड करना है एकदम नीचे की तरफ से, और जो सेकंड वाला हमारा पार्ट है उससे क्रॉस करना है, ट्विस्ट एंड क्रॉस, ट्विस्ट एंड क्रॉस, ट्विस्ट एंड क्रॉस। इसी तरह से हमारी पूरी ब्रेड को हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप कुछ डिफरेंट टाइप की मैसी ब्रेड ट्राई करना चाहते हैं तो ये वाली ब्रेड आपके लिए परफेक्ट है। पिंच आउट करके इस ब्रेड को हम देंगे फिनिशिंग लुक। अगर आपको मैसी ब्रेड्स बहुत ही ज्यादा पसंद है तो इस ब्रेड को आप जरूर से ट्राई करें, आई एम श्योर यू आर गोना लव इट। बनाने में जितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग, दिखने में उतनी ही ज्यादा अमेजिंग है ये ब्रेड। कोई भी इसे आराम से और बहुत ही आसानी से ट्राई कर सकता है, तो डू ट्राई दिस हेयर स्टाइल एंड डू लेट मी नो इफ यू लाइक दिस और नॉट। सो आज की लास्ट ब्रेड उन सभी के लिए है जिनको थिक लुक और हैवी लुक बहुत ही ज्यादा पसंद है अपनी ब्रेड्स में। सो इसके लिए हम करेंगे अपने बालों के 2 इक्वल पार्टीशंस। दोनों पार्टीशंस की हमें बनानी है 3 स्ट्रैंड ब्रेड, जो कि हमारी नॉर्मल ब्रेड होती है वो। ध्यान रहे चोटी को ज्यादा टाइट नहीं बनानी है, उसे लूज ही रखना है। चोटी के जो बाहर वाला पार्ट है उसके हर एक सेक्शन को इस तरह से पिंच आउट करना है, जिससे इस ब्रेड को मिलेगा हैवी लुक। सेम चीज रिपीट करेंगे सेकेंड वाले पार्ट के साथ भी, इसकी भी हम नॉर्मल लूज 3 स्ट्रैंड ब्रेड बना लेंगे। अगर आपके बाल लंबे हैं, रफ हैं, फ्रीजी हैं और आपको कोई भी हेयर स्टाइल या ब्रेड बनाना समझ नहीं आता है, तो ये वाली ब्रेड आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। ये वाली क्या, आज की बताई हुई चारों ब्रेड्स में से आप कोई सी भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो नाउ कम्स द फाइनल पार्ट। हम यूज़ करेंगे बॉबी पिंस। हमारी जो दोनों ब्रेड्स हैं उन दोनों को हम साथ में लॉक कर देंगे यूजिंग बॉबी पिंस। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ब्रेड है ये, तो इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करें। ऐसी ही और अमेजिंग और स्टाइलिश ब्रेड सीखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें या फिर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करें। आज की आपकी फेवरेट हेयर स्टाइल कौन सी है मुझे ज़रूर से बताएं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए हेयर स्टाइल, एक नए ट्यूटोरियल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।